खले हाकी माँ हो गुरुजी, जोरी जोरी हो गाना गई तो गई हे रे चेलावा, सगरे हो जा थानावा। हाँ भैया, माई के तो धन से पैसा के लालच बा, बेटा कितनो आंख से आंसू गिरावत रे। माई माई चिल्ला तेरे, लेकिन माई तनको घूम के ताकत नहीं खी। माई के आंचर छोड़ दहले, माई के आंचर छोड़ के कह तेरे अपने दिल में विचार कर तेरे कि जा तनी हम कम से कम बाबूजी से कहे। अगर जब बाबूजी हमरा बात के सुन लिये तो हमारे के नाम बेच दी है। कैसे जाके अपना बाबूजी के धोती के कोर पकड़ के आंख से आंसू गिरावत रे, कह तेरे के पिताजी। अरे पिताजी के धोतिया धोके रोवे लागे। पिताजी कम से कम हमरे ओर ताकी कि सुनी पिताजी हमार। अरे कौमने कारण हमके बेचतानी। पिताजी बताई कि आखिर कौन हमरा से गलती हो गई बा कि हमरा के बेचतनी। लेकिन पितोजी के पैसा के लालच बा, पितोजी कुछ बोलत नहीं खन। अब देखी भैया, सिपाही लोग जो ने आइल बा कहता लोग, ये भेड़िहार कौन लैका के देता रहा, जल्दी बताओ हमनी के लेके जाए, से लेट हो रहा हमनी के। तो वह देखी भैया, पिताजी के धोती छोड़ दहले और धरती पर गिर के लोटा लोटा के रोत रे। अतले भेड़िहार कहत रहे कि सरकार जवन लड़का गिर के लौटा के रो रहा बा, वही लड़का के ले जाइल जाओ सरकार। अब देखिए भैया, बरियारी सिपाही लोग लड़के के पकड़ता आ पकड़ के चाहत तो घोड़ा पर बैठावे के। लेकिन देखी भैया, खिस्सा कहल बा कि ना आटी तो दांते काटी। वो लड़का का करता ए बादशाह भाई कि दांते कटले हाथ दूत के, अरे घोड़ा से भहराई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के। कि टूकी भर रोटी ये भैया तहरा में खोले बानी, आ कबो मारना झगड़ा ये भैया तहरा से कोइले बानी। कि तू काहे नहीं खो बोलते, अरे समझा दो तनिका माई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के। मार दिले जाके हमके मन में ना सोचत बाड़ी के भैया, कि जीएब तो देहब भैया, अरे पैसा ढेर कमाई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के भैया। अरे कम से कम माई के तनी समझा दो। बन बन घूमे ब लकड़ी काटे, अरे भेड़ियन के चरवाही करके, ओहू से ना हो तो कौन बाबू साहब के खेत में बनिहारी करके। अरे सब कोई खाली, अरे उबरी उहे खाई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के, आ धोले भर अकबारी दौड़ के बबुआ बड़का भाई के।
लेकिन जेठ भाई के बोले के पावर ना रहे, जेठ भाई कुछ नहीं खे बोलत। सिपाही लोग बरियारी पकड़ल आ बरियारी पकड़ के घोड़ा पर बैठावल आ घोड़ा पर बैठा के लेके चल दिहल लो। कुछ दूर ले गई लो आ तले ने जेठका भाई अपना दिल में सोचते सोचते वहाँ से उठ गई आ दौड़ गई घोड़ा के पीछे। आ ये कहत का, अरे छोड़ दी सिपाही जी भैया के हाथ, अरे राजा के धनवा सगरी हमारा खातिर माटी बाड़े। छोड़ दी सिपाही जी भैया बा के हाथ, राजा के धनवा सगरी हमारा खातिर माटी बाड़े। हमारा गलतिया के कदी माफ, पिता के गलतिया के कदी माफ, राजा के धनवा सगरी हमारा खातिर माटी बाड़े। राजा के धनवा सगरी हमारा खातिर माटी बाड़े, राजा के धनवा सगरी हमारा खातिर माटी बाड़े। कुछ दूर ले गई बा जेठका भाई, ठीक लागल गिर गई आ गिर के बेहोश हो गई। बेहोश में इन्हें परल बा इन्हें घोड़ा पर बैठा के माझिल भाई के लेके राज दरबार में लेके चल गई लो। एने बेहोश से जब ठीक भइल बा जेठका भाई उठ के बैठ के शंकर भगवान के मंदिर नजदीक रहे वो शंकर भगवान के मंदिर में जाके शंकर भगवान के लिंग पकड़ के झरझर रोए लागल। कहलस कि सरकार, ए शंकर भगवान, हमारा छोट भाई के बलिदान होके गइल बा, अगर रउआ में शक्ति होके तो हमारा भाई के बचा लिह। शंकर भगवान हमारा भाई के बचा लिह। अरो रो के कहता, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अरे कैलाश वाले राजा बिगड़ी, ए बाबा रौरा में शक्ति हो गए तो हमारा भाई के बचा लिया सरकार। मेला लगा हुआ है भोला तेरे गली में, लगा हुआ है भोला तेरे गली में, ए सरकार अरे गम से मुझे छुड़ा जा, गम से मुझे छुड़ा जा कैलाश वाले राजा। जेठ भाई शंकर भगवान के मंदिर में बा आ उन्हें ले जाके घोड़ा पर से उतारा तलो, जैसे जे देवी के पुजारी रहले उनकरा से समय पूछाए लगल कि सरकार समय बतावल जाओ कि लड़का के बलिदान दिया। अरे देवी के पुजारी जी से साई पूछाए लागल, देवी के पुजारी जी से साई पूछाए लागल, मंदिर में फूल भराए लागल, देवी के मंदिर में फूल भराए लागल, ए ललका कलम से समैया लिखाए लागल, ललका कलम से समैया लिखाए लागल। एक बार जलादन के कटार काट कटाए लागल, एक बार जलादन के कटार काट कटाए लागल,
देवी के मंदिर में फूल बहराए लागल। हाकिम कह पार भइल अजबे बुझाए लागल। मैनेजर कह पार भइल अजबे बुझाए लागल। खुलत नैया कगरिए डगमगाए लागल। खुलत नैया कगरिए डगमगाए लागल। हाँ भैया, देवी के पुजारी जब रहले कहले कि है ये लड़का के बलिदान दिया कब, एक घंटा और समय बा, एक घंटा पूछ जाई तब। देखी भैया आतले एक घंटा समय पूरा हो गई, राजा आवत रे आ राजा कहत रे कि जो लड़का खरीद के आइल बा वो लड़का के बुलावल जाओ बलिदान दिया। केहू के भइल देखी भैया बलिदान दियाला चाहे फांसी दियाला तो वो बेरा पूछल जाला कि कुछ खइब कि केहू से मुलाकात करब। कि राजा कहले ये बाबू का खइब मंगवा दी। ए बबुआ कुछ खइब कि केहू से मुलाकात करब। तब बाबू कहले ए राजा हमारा बड़का भाई के बुला दी। अरे बुलावे के कहे आ तले ने मंदिर में से जेठका भैया निकलल बा आ धावल बा आ जाके देखता। अरे ये तने में जेठा का भैया बा वो कर यारे गईले। देखले कि रोबता भैया रे हमार। देखले कि रोबता भैया रे हमार। गलावा में फुलावा के मालावा पहनावल बाटे। एक और जला दलो पी जावे ला कटार। मेवा मिठाई ओकरा चारू ओरिया साजल बाटे। रुवे लागल जे ठकारे जार रे बेजार। लागल जेठका होई जार रे बेजार। जाई के धोईल हेले अपना यो कबरिया में। आ जाई के धोईल हेले अपना यो कबरिया में। हाँ भैया अखबारी में जाके पकड़ के जेठका भाई झरझर रुवे लागल। अतल समय ने पूरा भइल राजा अपना सिपाही लोग आदेश लगाओ तरे के सिपाही जेठ बेटा के हटावल जाओ आ छोट बेटा के बलिदान दिया। सिपाही लोग दोनों ओर से खींचे लागल लेकिन एगो के छोड़ ले एगो नहीं खे छोड़त। राजा के धन के घमंड आदेश लगा दहले कि इन्हें समय बीत जा रहल बा दोनों लड़कन के बलिदान दिया जाओ। अब देखी भैया दोनों लड़कन के बलिदान देवे के आदेश हो गई। तले का भइल भइले देवी के जयकार जलाद पिजावे ले कटार। आ तलक ले बैदा बन के अरे भोला जी साकार हो गईले। तलक ले बैदा बन के भोला जी साकार हो गईले। देवी के जयकार जला द पिजावे ले कटार। तलक ले पैदा बन के भोला जी साकार हो गईले। तलक ले पैदा बन के भोला जी साकार हो गईले।
शंकर भगवान वैद्य बन के आ गईले आ कहले कि राजा ये दोनों लड़कन के बलिदान देला से तार बबुआ ठीक ना हुई है, एगो काम करो हमारा झोरी में एगो जड़ी बा वो जड़ी के दे तने वो जड़ी के पीस के आ पियाव तार बबुआ ठीक हो जाइए। वह जड़ी निकाल के रा दियाइल पीस के जड़ी राजा के लड़के के पियावल गई, धीरे धीरे आराम हो गई, राजा के लड़का ठीक हो गई ले। शंकर भगवान कहनी वैद्य के रूप में क्या घेत तारा ठीक है भैया सनका मरला अच्छा तब हम चलत नहीं मंदिर के पिछवाला गई ले आ जाके अंतर ध्यान हो गई ले। आ जब अंतर ध्यान हो गई ले तो का भाई राजा अपना दिल में विचार करता रहे कि कौन ऐसा डॉक्टर दवा दे ले तो दो चार घंटे के बाद असर करेला, कौन ऐसा वैद्य दवा दे ले तो दो चार घंटे के बाद असर करेला। ई कौन वैद्य रहे हान ई कौन डॉक्टर रहे हान कि दवा देते देते बबुआ का हमार ठीक हो गई ले। आए सिपाही तनी देखो तब वैद्य जी के बोला के पकड़ के लिया तो सिपाही लोग दौड़ के मंदिर के पिछवाड़ा जाता, मंदिर के पिछवाड़ा ना भेंट भइल दो चार कोस ले दौड़ के चल गई लो। अरे वो वैद्य जी रहले थोड़ी जे मुलाकात होको लवट के आ गई लो, कहल लो कि राजा मुलाकात ना भइल। राजा अपना दिल में समझ गई ले कि वैद्य ना रहले हान खुद भगवान रहले हान, वो दोनों लड़कन के बचावे खातिर आए रहले हान। अब दोनों लड़का से हाथ जोड़ के राजा कहे लगले के बबुआ हमार बबुआ अच्छा हो गए तू लो अब अपना अपना घरे जा लो। अब देखी भैया इतना बात मझिलका भैया जब सुनल तो कहल कि राजा राजा ई बात रउआ मुँह से ठीक नहीं लागत राजा कि कहाँ बड़े बाप मोर कहाँ बड़ी माई हो, अगर माई बाप रहते तो हमरा के बलिदान खातिर ना बेचित लो, कहे ले ललनवा राजा से भी लिखाई हो कहाँ बड़े बाप मोर कहाँ बड़ी माई हो, पिता हूँ बजरिया के ज्ञाता माता तूर दली हमरा से नाता, कहे ले मैनेजर सभवा में गाई हो कहाँ बड़े बाप मोर कहाँ बड़ी माई हो, माई बाप हमरा केहू नहीं खे। देखी भैया राजा समझ गई ले, राजा समझ के यह बात एगो मंदिर बनवा दहले आ मंदिर में जबले वो दोनों लड़का जेले सन भगवान के नाम के रट लगवले सन का हमनी के बोलत चले के बा कि भजन कर भैया प्रभु के ना भूलैहा, भजन कर भैया प्रभु के ना भूलैहा, प्रभु जी के नामामा तू हरदम गई ह, भजन कर भैया प्रभु के ना भूलई ह, भजन कर भैया